बचपन के शौक में और अभी के शौक में मुझे लगता है शायद कोई फर्क तो नहीं है। हाँ ये है कि आप थोड़ी एहतियात ज़्यादा करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, तो बचपन में ये होता था कि पता ही नहीं होता था कि सुबह शाम रात जो है पूरा दिन जो है वो जानवरों के साथ गुजरता था। मंडी के 5-5-6 चक्कर लगते थे, मतलब जो भी जा रहा है तो आप मंडी में उसके साथ बैठ बैठ के चले जा रहे हैं, हाँ भाई मंडी जा रहा हूँ, हाँ भाई चलो, तो पूरी रात सुबह शाम सुबह का नाश्ता मंडी में हो रहा है, तो पूरा दिन घूम घुमा के खज्जल ख्वारी है कि जो है ना वो मंडी से आते। अब ये होता है कि जानवर जो है पहले से ले लेते हैं और फिर उनको अच्छी तरह पलवाते हैं और फिर अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं उसको। मैं बिल्कुल, मैं तो मंडी जो है वो हर साल ही जाता हूँ, क्योंकि मुझे अगले साल की तैयारी करनी पड़ती है। जैसे ये जानवर हमने पिछले साल ले लिए थे, तो अब ये है कि अब एक जानवर मेरे पास मौजूद है और अगले साल की तैयारी के लिए एक जानवर और चाहिए, तो डेफिनेटली मंडी ज़रूर जाते हैं। लेकिन अब ये होता है कि अब गाड़ियों में जाते हैं, पहले ये होता है कि वो जो वाली बसें आती हैं दूसरी जिस पर गायें वगैरह आती हैं सुजुकी वगैरह, तो उसमें जाते थे। अरे कसाई का मसला ये, कसाई टाइम नहीं दे रहा है, कसाई जो है कह रहा है मैं अपने टाइम से आऊँगा, तो हम चाह रहे हैं भाई हमारे टाइम से आओ ताकि हम जल्दी फ्री जाएँ, क्योंकि जानवर हमारे पास जो है, क्योंकि आपको पता है कि जानवर जब टाइम से कटते हैं तो फिर टाइम से आप फ्री हो जाते हैं। तो अभी ये मामला देखें, उम्मीद है कि कसाई टाइम तक पहुँच जाएगा। देखें ये जानवर हमने 7-8 महीने पहले लिए थे और हमारे दोस्तों ने अपना कैटल फार्म कर लिया है बैठक कैटल फार्म के नाम से, तो ये आपके सामने जो खड़े हैं ये डोलू हैं और उनके जो पीछे खड़े हैं वो बोलू हैं। बस पार्टी वार्टी क्या करेंगे ईद के पहले दिन, बस इंशाल्लाह कोशिश करते हैं इतनी जल्दी अल्लाह की राह में कुर्बान करें, और फिर ज़्यादा कोशिश यही होती है कि जो लोग जो हमारे ऐसे लोग हैं जो कुर्बानी नहीं कर सकते तो गोश्त उन तक पहुँचाएँ, और बाकी गोश्त का फिर जो बच जाता है थोड़ा बहुत उसके फिर टिक्का बोटी बनाएंगे इंशाल्लाह। अबे जाओ माइक सामने ही पड़ा है, निकाल लो सामने ही पड़ा। हाँ ऐसे ही बैठे रहने बैठो को मजा थोड़ी है, अरे जी बना लो अभी बैठे हैं यार खा पी के यार जाने को छोड़ दो मुझे।